हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेपाल। अब नेपाल में मैं अभी एग्जैक्ट किस जगह पे वो मेरे को पता नहीं है। मेरे फोन में जो अभी लोकेशन दिखा रही है वो पाठालिया करके कुछ जगह है, पाठालिया। और ये मेरे सामने बिल्कुल हाईवे है, लंबा चौड़ा हाईवे, सामने फैक्ट्री है। और यहाँ पे मेरे को होटल मिल गया था। सो मैं रात को इधर से जा रहा था, जाते जाते होटल दिख गया। मेरे को बहुत ज़्यादा थका हुआ था एंड बाइक चलाने का और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बिल्कुल कमर में पेन हो रहा था, आँखों में दर्द हो रहा था। सो मैं इधर होटल में आ गया एंड इधर ही रात को रुक लिया। अब का सीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ से मेरा जो घर है वो मैं एक बार में कवर करने वाला हूँ, यानी कि नेपाल से इंडिया का घर एक बार में। बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, आप जितना सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि इधर पे देखिए यहाँ से जो मेरा घर का डिस्टेंस है वो 764 किलोमीटर है। यहाँ पे मेरे को ऑफ रोड मिलने वाला है, पतला रास्ता मिलने वाला है, बिहार झारखंड से होके गुजरेगा। सो रात का 2 बजे मैं घर पहुंचने वाला हूँ, रात का 2 बजे। ये चैलेंज मैंने खुद से खुद को दिया है, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। जैसे कि मैं देखना चाहता था कि क्या मैं एक स्पोर्ट्स बाइक लेकर के नेपाल का टूर कर सकता हूँ कि नहीं। मैंने नेपाल का टूर किया, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग किया, मस्तांग किया। अब देखते हैं, ये जो मेरा लास्ट चैलेंज है और ये जो इंडिया नेपाल सोलो राइड का जो लास्ट चैलेंज है, जो लास्ट वीडियो है, उसको मैं अच्छे से कंप्लीट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, लेट्स सी। यहाँ पे मैंने बैग भी रख रखा है। सो अब चलिए फटाफट बैग को बाइक पे बांधते हैं और सीधा हाईवे पकड़ के निकलते हैं। ओके, लेट्स गो। सो गाइस, बैग मैंने बांध लिया है, फ़ोन होल्डर पे फ़ोन लगा दिया है मैप के साथ एंड ये मिरर भी खोल लिया। अब बाइक पे बैठ जाते हैं। ये बॉडी तो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है बट करना तो पड़ेगा। अभी जो मेरा घर पहुंचने का टाइमिंग दिखा रहा है वो 1:52 AM, यानी कि रात के 1:52 AM को मैं अपने घर पे पहुंचूंगा। और रास्ते में रुकना है, खाना है, फ़ोटो उठाना है, ये सब में भी टाइम लगेगा। मतलब कि सीधा सीधी पकड़ लो, रात के 3 बजे मैं घर पहुंचने वाला हूं। मतलब सोच के कैसा लग रहा है कि कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सो ये मैंने पकड़ लिया हाईवे और ये लेफ्ट साइड में अपना होटल, इसी होटल में मैं रात को रुका था। ये मैं नेपाल के गलियों में नेपाल के हाईवे पे लास्ट डे राइड कर रहा हूँ। इसके बाद पता नहीं कब मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा। सो इस नेपाल के राइड को, इस नेपाल के हाईवे राइड को फुल टू एंजॉय करते हैं। Here it is, इंडिया नेपाल बॉर्डर। और अभी मैं हूँ नेपाल में एंड ये जो राइट साइड देख रहे हो आप लोग, यहीं पे भंसार बनता है टाटा। सो मेरा परमिट जो भैया बना दिए थे वो दिख गए एंड हेयर इट इज़ बॉर्डर। हो भाई साहब, सुकून सुकून सुकून। ये जो सारी गाड़ियाँ देख रहे हो ये सब बॉर्डर क्रॉस करने के लिए खड़ी है। यहाँ पे इनका भंसार यानी कि परमिट बनेगा, ये सारे ट्रक भी उस पार में जाएंगे। अब इधर पे मेरे को सारे इंडियन नंबर्स गाड़ी दिखेंगे। अब मेरे को किसी भी ट्रैफिक रूल का कोई भी डर नहीं है, मैं फ्रीली चला सकता हूँ, फ्रीली कहीं भी एक्सीडेंट कर सकता हूँ। ऐसे नेपाल में मेरे को लग रहा था अगर जो अभी थोड़ा सा भी एक्सीडेंट हो गया, कोई अगर जो आ करके मेरे को ठोक दिया, तो मैं नेपाल से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा मेरे लिए। ट्रेन में बहुत ज़्यादा प्रेशर था बट आई एम फ्री नाउ। सो गाइज, मैंने यहाँ से अभी करेंसी एक्सचेंज कर लिया, जितने भी मेरे पास बचे हुए नेपाली पैसे थे सारे मैंने दे दिए और इंडियन पैसे ले लिए। बट क्या बताओ यार, उस समय भी पोपट कट गया। इस समय भी जब मैं इंडियन लेकर के नेपाली रह रहा था उस समय भी मेरे 300 रुपया के आसपास इंडियन कटा था और अभी भी ये 100-150 रुपया मेरा ऐसे इंडियन रुपीज़ ले लिए एज अ कमीशन एंड बोले कि इंडियन दे के नेपाली लेते समय कमीशन नहीं कटता है। और मेरे को उस समय वो वाले भैया बोले थे कि नेपाली दे के इंडियन लेते समय कमीशन नहीं कटता है। बट क्या बोलूँ अब मैं, जो ये लोग बोलेंगे वही सही है। मेरे को तो एग्जैक्ट पता नहीं ना क्या दे के क्या लेने से कमीशन नहीं कटता है। सो ठीक है यार, होता है, नया कंट्री है, पहली बार है, चलता है। सो गाइज, अभी बज रहे हैं 12:40 और इस वाले दुकान में मैं थोड़ा सा चाय पीने के लिए रुक गया। पहले एक पिया फिर और एक पिया, क्योंकि पूरे नेपाल ट्रिप में, मतलब नेपाल में जब मैं इंटर किया उसके बाद निकलने तक सिर्फ मैंने एक चाय पी थी।
सो मेरे को चाय की तलब बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे एक चाय ट्राई किया, अच्छा लगा तो और एक चाय ट्राई किया। और एक चीज़ मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग बताता हूँ, यहाँ पे देखिए जो 2 बजे का टाइमिंग मानने की, यानी कि जो 1:45 के आसपास का टाइमिंग दिखा रहा था कोलकाता पहुँचने का, वो अब सिर्फ 12:22 AM का दिखा रहा है। यानी कि मैं गाड़ी को अभी बहुत ज़्यादा खींचा, बहुत ज़्यादा, लगभग 100-120 के स्पीड पे कंटिन्यू टांटा आया। तो जा करके मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट मिला। मैं जितना अर्ली मॉर्निंग जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लूँ उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, शाम होने के बाद ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किया जा सकता है इस बाइक पे। अभी जिस रूट से मैं आया वो पता नहीं मेरे को किधर से लाया, बट रास्ता बहुत अच्छा था, पूरा रास्ता ऐसा ही था, अभी का जो रास्ता है ना ऐसा ही। मेरे को पहले लगा बिहार में एंट्री करने के बाद रास्ता ख़राब हो जाएगा, बट नहीं, अच्छा रास्ता था। मैं 100-120 पे क्रूज़ कर रहा था तो मेरे को एक छोटा सा प्रॉब्लम हो रहा था, ये जो साइड स्टैंड के वहाँ पे मेरा जो साइड स्टैंड सेंसर है, यानी कि इंजन कटआउट का जो सेंसर है, जो कि ख़राब हो गया है मेरा ट्रिप के दौरान, वो बार बार हिल जा रही थी और वो वाइब्रेट होकर के खुल जा रही थी। सो इंजन बार बार बंद हो जा रहा था मेरा, तो उसको मेरे को 1-2 बार ठीक करना पड़ा, लाइक उसको चापना पड़ा एंड बांधना पड़ा, तब जा करके वो ठीक होकर के चली। ऐसे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी स्मूथ चल रही है, मज़ा आ रहा है चलाने में। अब देखते हैं अंधेरा होने के पहले कितना डिस्टेंस कवर कर पाते। यहाँ से अभी भी जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो 516 किलोमीटर दिखा रहा है कोलकाता का। डूइंग इंडिया टू नेपाल सोलो ऑन R15 V4, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं R15 V4 का एक रियल ओनर हूँ, जेन्युइन ओनर। क्यों? क्योंकि मैंने इस पर ऑफ रोड राइडिंग की, सिटी राइडिंग की, नाइट राइडिंग की, डे राइडिंग की, ट्रैफिक राइडिंग की, मतलब क्या नहीं किया, सब कुछ किया मैंने इस बाइक पे, ईच एंड एवरीथिंग जो जो इस बाइक से पॉसिबल है वो सब कुछ किया। आज वाले दिन मैं एक्सट्रीम हाईवे राइड कर रहा हूँ, एक्सट्रीम लॉन्ग राइड कर रहा हूँ, लगभग 800 किलोमीटर एक कंट्री से दूसरे कंट्री, वो भी एक ही दिन में जाना, बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वो भी इस बाइक पे। अगर कोई टूरिंग बाइक हो, हाई सीसी बाइक हो तब पॉसिबल है, बट 150 cc बाइक लेकर के एक कंट्री से दूसरे कंट्री 800 किलोमीटर 18 आवर्स राइड करना जस्ट इम्पॉसिबल, बट मैं कर रहा हूँ ये। तो गाइज अभी शाम के 5:15 हो रहे हैं और चारों तरफ अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है, एंड अभी भी मेरा जो किलोमीटर है वो 300 किलोमीटर बाकी है घर पहुँचने के लिए। मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाया दिन के उजाले में, क्योंकि इसी तरह से पतला रास्ता मिल रहा है बहुत ही दूर से, फिर भी मैंने 500 किलोमीटर कवर किया डे लाइट में। अब जो भी राइड होगा 300 किलोमीटर का वो पूरा नाइट राइड होगा। कल मैंने नेपाल में नाइट राइड किया था लगभग 4 घंटे तक, और अभी मेरे को इंडिया में नाइट राइड करना है लगभग 6 घंटे तक। थोड़ा टफ लग रहा है अब मेरे को, क्योंकि सुबह से राइडिंग करते करते मेरा थोड़ा सा बैक में पेन कर रहा है, बट कल से कम, कल जितना बैक में पेन कर रहा था उससे बहुत कम कर रहा है, क्योंकि कल मैंने ऑफ रोडिंग किया था और उसके बाद मैं नाइट राइड किया था, वो बहुत ज़्यादा टफ था, बट अभी ठीक है। देखते हैं कैसा क्या होता है, आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे, लेट्स सी। ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप। सो गाइज लुक एट दिस, वेयर आई एम इन कोलकाता। ये Finally, I did it solo international ride in one day, more than 800 kilometers, and now the time is 11:21. Google से भी fast, Google से लगभग 2-2.5 घंटे fast मैं नेपाल से इंडिया कोलकाता आया। ये सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा गॉड को, उसके बाद अपने बाइक को, फिर खुद को, फिर नेपाल के उन सारे भाइयों को जो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ नंबर शेयर किए एंड बोले कि भाई कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो नेपाल में जस्ट एक कॉल करो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये मेरे को तो उनको कॉल करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, बट ये जो था ये मेरे को मेंटली काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया नेपाल को घूमने में, एक्सप्लोर करने में। इंडिया टू नेपाल सोलो ऑन R15 V4 राइड को इस वीडियो के साथ यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, राइड हार्ड, एंजॉय योर डे, टाटा बाय बाय। ये